मध्य प्रदेश के बैतूल में बने कोविड सेंटर जिसकी शुरुआत इस दोहे के साथ हुई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगल के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। ये सूत्र वाक्य उस कोविड सेंटर का है जहां अब मरीजों का न केवल निशुल्क इलाज होगा बल्कि दवा से लेकर भोजन तक सब कुछ मुफ्त रहेगा। ऐसा संभव हो सका है बैतूल भाजपा की उस टीम की बदौलत जिसने कोरोना महामारी में मरीजों और उनके परिजनों के दर्द, उनकी क्षमताओं को समझा और एक ऐसा सहकार स्थापित कर दिया जिसकी बैतूल को जरूरत थी। बैतूल के भाजपा कार्यालय विजन भवन को अब विजय कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है, जहां 50 कोविड मरीजों को भर्ती करने की सहूलियत होगी, जिसमें 20 ऑक्सीजन बेड भी शामिल होंगे। जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जा सकेगा। पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष बबला आदित्य शुक्ला के प्रयासों से यह कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है, जिसमें कल 14 मई से मरीजों को भर्ती किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भाजपा नेताओं ने इसके संचालन, मरीजों की देखरेख, इलाज के लिए भोपाल से प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की है। विजय कोविड केयर सेंटर में 50 बेड की व्यवस्था है, जिसे भविष्य में 25 बेड तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 20 ऑक्सीजन व 30 सामान्य बेड रहेंगे। यहाँ 20 ऑक्सीजन बेड और बढ़ाए जाने की क्षमता है। ऑक्सीजन बेड तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन लगाई गई है, जबकि मरीजों के लिए अच्छी क्वालिटी के बेड उपलब्ध कराए गए हैं। सेंटर में प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ रहेगा, वहीं निजी चिकित्सक भी यहां अपनी सेवाएं देंगे। फिलहाल यहां 3 डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। भाजपा विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरेन भी यहां व्यवस्थाओं को देखेंगे। मरीजों को निशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, जिसकी व्यवस्था भाजपा कार्यालय ही करेगा। मरीजों को मुफ्त दवा भोजन उपलब्ध होगा, परिजन भी यहां निशुल्क भोजन पा सकेंगे। पूर्व सांसद के प्रयासों से हुआ साकार, भाजपा कार्यालय विजन भवन को कोविड केयर सेंटर में बदलने का प्रयास पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल के प्रयासों से साकार हो सका। उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष बबला आदित्य शुक्ला को अपनी योजना बताई, जिसके बाद इस पर काम शुरू हुआ। इसी भावी सेवा भाव का नतीजा है कि यह केंद्र बनकर तैयार हो गया। 10 दिन पहले बना था प्लान बैतूल में कोरोना के फैलने, संक्रमण और मरीजों की लगातार आमद के बाद। पूर्व सांसद ने इसकी योजना बनाई थी। उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष बबला शुक्ला को कलेक्टर से चर्चा कर भाजपा कार्यालय को कोविड केयर सेंटर के लिए अधिग्रहित करने की चर्चा की, लेकिन प्रशासन ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए थे कि उनके पास डॉक्टर और स्टाफ नहीं है। प्रशासन ने बस इतना भरोसा दिया था कि उनके निर्देशन और देखरेख में इस केंद्र को चला तो सकते हैं, लेकिन स्टाफ की व्यवस्था नहीं कर सकते। जिसके बाद पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल ने इस केंद्र को शुरू करने में पूरी ताकत लगा दी, जो अब शुरू होने के लिए तैयार है। और यह देखने में आ रहा है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ ज्यादा हो रही थी, निजी अस्पतालों में लोग उनका बिल चुकाने में असमर्थ हो रहे थे। इसलिए विचार आया कि सरकारी अस्पताल की तरह निःशुल्क केयर सेंटर शुरू किया जाए, जो निःशुल्क हो और सरकार प्रशासन के मार्गदर्शन में चले। नर सेवा ही नारायण सेवा है, यही जीवन का ध्येय है, इसलिए इस केंद्र को शुरू करवाया गया है। कार्यालय को केयर सेंटर में बदलने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की। पूरी टीम पिछले 10 दिन से इस सेवा कार्य में जुटी हुई थी। भारती न्यूज के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट। लगभग 10-15 दिन पहले हमारे जिलाध्यक्ष ने कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट की थी कि शासन इसको टेक ओवर कर ले, लेकिन शासन का कहना था कि हम अपने गाइडेंस में चला तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं है और नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है। इसलिए हमने MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर भोपाल से लाए हैं। हमारे प्राइवेट डॉक्टर पंडागरे जी इसकी देखरेख करेंगे। नर्सिंग स्टाफ भी हम ही लोगों ने हायर किया है। ऑक्सीजन से लेके सारी चीज़ें हम निःशुल्क यहाँ करेंगे, मेडिसिन से लेके सारी चीज़ें करेंगे। अभी 50 बेड का हम हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं और भविष्य में 25 बेड हम और बढ़ा लेंगे। हमने यहाँ पे हॉस्पिटल की तर्ज पे जो ऑक्सीजन पाइपलाइन रहती है वो भी पूरी डाल दी है और कोशिश की है कि लगभग हॉस्पिटल में जितनी सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं रहें, क्वालिफाइड डॉक्टर रहें और क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ रहे, क्योंकि लोगों को शासकीय हॉस्पिटल में भीड़ ज़्यादा है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोग बिल चुकाने में असमर्थ हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल जैसा निःशुल्क रहेगा, सरकार के सुपरविज़न में रहेगा और प्राइवेट डॉक्टर्स भी इसमें देख रेख करेंगे और विजिट करेंगे, तो लोगों को एक अच्छा हॉस्पिटल के रूप में
ये हमारा विजय कोविड सेंटर मिल जाएगा। कितने जनरल बेड रहेंगे, कितने ऑक्सीजन बेड रहेंगे? ऑक्सीजन बेड अभी हमने 20 किए हैं और सामान्य बेड हमारे 30 हैं, लेकिन हमारी ऑक्सीजन पाइपलाइन का एक्सटेंशन हमने आगे तक लिया है। भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन बेड हम 20 और बढ़ा देंगे और जनरल बेड हम 30 तक और बढ़ा सकते हैं, हमारे पास इतनी जगह है। जैसे ही ज़रूरत होगी हम इसे और एक्सपांड कर देंगे। दवाइयाँ और भोजन वगैरह का क्या? मेडिसिन भी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ऑक्सीजन भी हम सरकार से नहीं ले रहे हैं, हम खुद ही जन सहयोग और हम लोग मिलके करेंगे। कोई भी चीज़ सिर्फ सरकार का सुपरविजन रहेगा, मरीजों के परिजन और मरीजों के लिए भी निशुल्क भोजन की व्यवस्था रहेगी। Subscribe now to most exciting channel ever.